नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद अमीन। आप देख रहे हैं जिले का सबसे लोकप्रिय चैनल डीटी न्यूज। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबर। जुन्नारदेव जनपद के ग्राम बेलखेड़ी में पेच नदी घाट पर पिकनिक मनाने गई दो छात्राएं बाढ़ में फंसी, पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाया। जुन्नारदेव जनपद के ग्राम बेलखेड़ी में पेच नदी घाट पर पिकनिक मनाने गई दो छात्राएं नदी की बाढ़ में फंस गईं, जिन्हें पुलिस व ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। पुलिस SDOP SK सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलने पर पेच नदी में 6 बालिकाएं पिकनिक मनाने आई थी, किंतु अचानक नदी में बाढ़ आ जाने से दो बालिकाएं पानी की बाढ़ में फंस गईं, जिन्हें पुलिस के जवानों द्वारा ग्रामीणों की मदद से 1 घंटा रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। सभी छात्राओं को जांच हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। हिम्मत आप भी दे रहेंगे अगर हिम्मत बढ़ाने का काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप सभी लोग किया, ठीक है ना? हाँ, वो रवि अभी सब गए थे, सभी को बधाई थी। आओ भैया, आओ भैया, आइए सर, आप भी आइए। फोन दे, फोन दे, फोन दे, दे मिल जाए। भाई आप लोग सपोर्ट गांव वालों को हिम्मत दी यार, वो अंदर जाके खुद ही पहुंच गए थे सारे। लगे रहना, हिम्मत तो इन्हें बढ़ा दी थी अपनी, जो एक बंदा गया था ना सर, हिम्मत बढ़ा दिया सर। फोटो एक फोटो, ठीक है, आइए सर। ग्राम बेलखेड़ी में नदी में बाढ़ में फंसे कुछ बच्चों को रेस्क्यू करके निकाला गया, क्या था मामला सर? आज ये पहाड़ी नदी है, पैंच है, कुछ लड़कियां आई थी, 6 करीब थी, जिसमें 2 मैन उसमें चली गई थी, मैन पत्थर पे बहाव वाले में, और वो अपने सेल्फी ले रही थी। उसी दौरान तेज़ बारिश पहाड़ी पर हुई होगी, तो अचानक बाढ़ बढ़ गई और ज़्यादा तेज़ हो गई, तो करीब वो 1 घंटे करीब खड़ी रही हिम्मत करके। जैसे हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग आके उसमें, हमारे तहसीलदार साहब, हमारा पुलिस स्टाफ थाने का और कार्यालय का, SDOP कार्यालय का और ग्रामीण सभी के मदद से हम लोग ने उसको रेस्क्यू करके निकाला। सर, इस दौरान किसी प्रकार कोई हानि नहीं? हानि किसी की नहीं, सभी सुरक्षित हैं? सभी सुरक्षित हैं, उनको अस्पताल भेज दिए। दोनों लड़की थोड़ा सा घबरा गई थी, उनको जो टेक्निक रहती है, हम लोग कई चैनल देखते रहते हैं, डिस्कवरी एक्सकर्यू, उसी आधार पर हम लोग ने अपना वो मेहनत करके निकाला। मतलब सर, इसमें पुलिस विभाग का काफ़ी सहयोग? हाँ, पुलिस के जवान, हाँ हाँ जी, उसके लिए किसी प्रकार को पुरस्कृत करने का? पुरुष वरिष्ठ अधिकारी करते हैं पुरुष, हम लोग का तो पहला कर्तव्य ये रहता है किसी की जीवन रक्षा करना है, सबसे जीवन की रक्षा करना सबसे पहला उद्देश्य रहता है हमारा। सर, ग्रामीणों का भी सहयोग था? हाँ, ग्रामीणों का सहयोग रहा। ठीक सर, थैंक यू सर। ओके।